बालाघाट जिले की 6 विधानसभा में भाजपा की ओर से सबसे अधिक मतों से कटंगी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी गौरव पारधी ने जीत दर्ज की है। भाजपा को जीत का गौरव दिलाने वाले गौरव पारधी ने पूर्व सांसद और विधायक को भारी बहुमतों से पराजित कर मतदान के बाद से संभावित मानी जा रही जीत को मतगणना के बाद तक पुख्ता कर दिया। जीत के बाद उन्होंने चर्चा में भाजपा प्रत्याशी गौरव सिंह पारधी ने कहा कि जिस विजन को लेकर हम आगे बढ़े थे उस विजन को पूरा करना प्राथमिकता नहीं बल्कि उद्देश्य भी है। कटंगी क्षेत्र की जनता विश्वास रखे, हम सामने रहकर उस विजन को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को शासन की हर योजनाओं का लाभ मिलेगा और चुनाव के दौरान जिस भी समस्या को हमने समझा है उसका निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केवल लाडली बहना योजना ही नहीं बल्कि पीएम आवास, आयुष्मान सहित सभी योजना भाजपा की जीत के लिए प्रमुख रही और सबसे प्रमुख अंत तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना महत्वपूर्ण है। रहेगी आपको जीत गए आपने और स्पेशली पहले से ही माना जा रहा था कि कटंगी सीट भाजपा के लिए था और उस पर खड़े भी आप उतरे, क्या सोच के आप रहेगा, आपका विजन रहेगा? देखिए, लगातार पूरे चुनाव के दौरान एक विजन को लेकर ही हम आगे बढ़े हैं, तो कटंगी विधानसभा क्षेत्र के लिए वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना ही मेरी प्राथमिकता ही नहीं है, उद्देश्य ही रह गया है अब। और वर्तमान में प्रदेश में बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विश्वास रखिए पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं जिससे हर व्यक्ति को लाभ मिलता है, तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीज़ें पूरे प्रदेश में लागू होंगी। और कटंगी की विशेष समस्याओं को लेकर मैंने जो लगातार बात रखी अपने पूरे प्रचार के दौरान, वो सारी चीज़ों को हम सफल रूप में वहाँ पर क्रियान्वित करेंगे। भैया, प्रदेश में भाजपा बढ़त में है, क्या लगता है लाडली बहना योजना जो है गेम चेंजर साबित हुई है? सारी योजनाएँ, सिर्फ लाडली बहना योजना नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान योजना है, हमारी सारी योजनाएँ जो हैं उनका कहीं ना कहीं योगदान रहा है। और इस बार देखिए, अभी तक जो भी होता था उसमें डिलीवरी को लेके इश्यूज रहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से लगातार एंड पे हम जो डिलीवरी दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को लाभ हो रहा है, उनके हित में कार्य हो रहा है, तो विश्वास रखिए इसका लाभ है। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।